तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं अभी जस्ट खत्म हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। जी हां, मैडिसन स्क्वायर गार्डन एब्सोल्युटली सोल्ड आउट और स्टार्ट से लेके एंड तक क्या एक्सप्लोसिव शो आज हमें देखने को मिला। ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की कन्फ्रंटेशन, डीमन बैलर का रिटर्न और एक बार फिर से एक जबरदस्त मैच बिटवीन एज एंड सेथ रॉलिंस। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे गाइज आज के शो पे जो हुई है। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहे, अपने ओपिनियंस कॉमेंट्स में दे और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये शो स्टार्ट होता है, बाहर आ जाते हैं रोमन रेंस। ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, मैडिसन स्क्वायर गार्डन का क्राउड आज काफी ज्यादा इन्वॉल्व था। ऑब्वियसली हम जानते हैं गाइज, जस्ट लाइक शिकागो, न्यूयॉर्क भी वन ऑफ द बेस्ट रेसलिंग सिटीज है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो रोमन रेंस आके बोलते हैं, ऑब्वियसली जब आती है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की बात तो न्यूयॉर्क को कौन रूल करता है? WWE। लेकिन WWE को कौन रूल करता है? द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और मैडिसन स्क्वायर गार्डन को यानी कि कौन रूल करता है? द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो रोमन रेंस कहते हैं सारे क्राउड को एक्नॉलेज मी, और मिक्स्ड रिएक्शन उनको मिल रहा होता है, लोग काफी चीयर करते हैं, रोमन का नाम भी चैंट होता है। तो जैसे ही रोमन ये बोलते हैं, भाई यहाँ पे आ जाते हैं बाहर ब्रॉक लेसनर, और लोग इतना ज्यादा खुश थे उनको देख के। एक बार फिर से अपनी पोनी टेल और बियर्ड वाली जो लुक है उन्होंने मेंटेन करके रखी और क्राउड बहुत खुश था उनका यहाँ पे देख के। और जैसे ही वो रिंग में आके कन्फ्रंट करते हैं रोमन को, पॉल हेमन माइक में आके बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ब्रॉक मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि भाई तुम इतनी सारी चैंपियनशिप को छोड़ के सिर्फ यूनिवर्सल टाइटल को क्यों चैलेंज करने आए हो यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर और कोई भी टाइटल होता तो मैं तुम्हारा कैसे साथ दे सकता हूँ और हम मिलके उनको जाके कॉन्कर कर सकते हैं। लेकिन ब्रॉक लेसनर यहाँ पे पॉल हेमन को कहते हैं, भाई मेरे पास तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, तुमने रोमन रेंस को ये बात क्यों नहीं बताई कि मैं समर स्लैम में आने वाला हूं? और क्राउड ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज्यादा हो करके चीयर कर रहा होता है, क्योंकि पॉल हेमन को क्या ये बात पता थी। और रोमन रेंस ये बात सुनते ही बिल्कुल शॉक हो जाता है कि भाई ऐसा क्या हो गया। तो रोमन रेंस उसके साथ यहाँ से बाहर कट लेते हैं, भाई उनको कुछ लेना देना था नहीं ब्रॉक लेसनर से। और उसके बाद लेसनर हेमन को कहते हैं, भाई इससे पहले रोमन तुम्हें फायर करे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ रोमन को फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और ये तुम्हें एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ, 5, 4, 3, 2, और वो F5 के लिए जाते हैं पॉल हेमन पे। लेकिन रोमन रेंस पीछे से आके सुपरमैन पंच लगा देते हैं लेसनर को। इसके बाद उसोस भी उनको अटैक करते हैं, लेकिन तब भी अपर हैंड गाइस यहां पे ब्रॉक लेसनर को मिलता है और रोमन रेंस को एक बार फिर से यहां से भागना पड़ जाता है। तो पॉल हेमन ने यहां पे ब्रॉक लेसनर को जबकि इंट्रोड्यूस भी करा, उन्होंने रेनिंग डिफेंडेड अनडिस्प्यूटेड सब कुछ बोला, ब्रॉक लेसनर खुश भी हो रहे थे, कह रहे थे पुराने टाइम मुझे याद आ गया। लेकिन उसके बाद भी गाइस ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन का जो रिलेशन है वो सही नहीं है, और अभी भी पॉल हेमन रोमन रेंस का ही साथ दे रहे हैं। रोमन रेंस ऐसा लगता है पॉल हेमन के लिए इतना कुछ कर चुके हैं कि वो भी अंदर से इनसिक्योर फील करने लगे हैं कि अगर ये बंदा मेरे साथ ना रहा तो भाई मेरा क्या हो सकता है, क्या मैं टाइटल उसी तरीके से रिटेन कर पाऊंगा। तो रोमन रेंस गाइस यहां पे थोड़े से वैसे डरे लग रहे थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर बिल्कुल खुश थे, उनको किसी की कोई जरूरत नहीं है, ही जस्ट वांट्स द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो ये ओपनिंग सेगमेंट बहुत ही ज्यादा कमाल की थी, एक स्ट्रांग सेगमेंट थी और मजा आ गया देख के। क्राउड का जो इंटरेक्शन था वो भी बहुत बढ़िया था। एक पॉइंट था इस सेगमेंट पे जहां पे यू फक्ड अप की चैंट्स हो रही थी और WWE ने बहुत सेकंड्स के लिए जो है म्यूट कर दिया था सब कुछ और हमें चैंट सुनने को नहीं मिली, तो वो थोड़ा सा मजा भाई खराब हो गया। चलते रहने देते, कभी-कभी ये चीज चलती है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो 10-man टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है गाइस, और यहां पे सैमी ज़ेन काफी तारीफ करते हैं न्यूयॉर्क सिटी की, और उसके बाद एटलांटा हॉकिंस के NBA प्लेयर ट्रे यंग को बाहर बुलाते हैं। और ऑब्वियसली जब दूसरी सिटी का एक फेमस प्लेयर आता है तो उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे बू हो रही थी, बहुत ही ज्यादा बू हो रही थी, और लोग बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये बंदा बाहर कैसे आ गया। और मैच के दौरान हमें देखने को मिलता है कि इसको रेफरी इजेक्ट भी कर देता है, क्योंकि एक्चुअली में मैच में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे गाइस जो मैच देखने को मिला वहां पे बेबी फेस टीम की विक्ट्री हुई, यानी कि नाकामुरा, रिक बुग्स, बिग ई, रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो, और इन्होंने हराया सैमी ज़ेन, रॉबर्ट रूड, डॉल्फ ज़िगलर, ओटिस और अपोलो क्रूज को। आई थिंक ओवरऑल ये एक फन मैच था, एंटरटेनिंग मैच था, लाइव क्राउड को शायद टीवी वालों से ज्यादा मजा आया होगा, क्योंकि टैग टीम मैच यूजुअली ऐसा ही होता है। लेकिन ओवरऑल गाइस बढ़िया था। सैमी ज़ेन ने यहाँ पे नाकामुरा की एंट्रेंस को भी खराब करा, ट्रे यंग को भी लेके आए, तो उन्होंने काफी अच्छा हील का रोल प्ले करा, लेकिन एट द एंड उनको यहाँ पे विक्ट्री नहीं मिल पाई। इसके बाद बैकस्टेज बिग ई की इंटरव्यू होती है, वो काफी खुश लग रहे थे अपनी विक्ट्री के बाद, और वो कहते हैं, भाई मनी इन द बैंक ब्रीफकेस मेरे पास आ चुका है और डेफिनेटली मैं इसको कैश इन करने वाला हूं, हो सकता है आज ही शो पे कर दूं या फिर आने वाली मंडे नाइट रॉ पे मैं जाके कैश इन कर सकता हूं।
तो वो टीज कर रहे हैं कि भाई कभी भी किसी भी टाइम वो कहीं पे भी आ सकते हैं गैस्टन करने के लिए। तो मंडे नाइट ड्रॉप पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वो आने वाले वीक में हमें पता लगेगा। इसके बाद हम बात करें गाइस तो बेकी लिंच और बियांका बेलेर की एक्सट्रीम रूल्स कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है। आई थिंक इस सेगमेंट में उतना कुछ खास था नहीं, क्योंकि बियांका पहले आती है, वो एक प्रोमो कट करती है और कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती है। उसके बाद बेकी बाहर आती है अपने बड़े बड़े चश्मे लगा के और फर वाला ऑरेंज कोट उन्होंने पहना हुआ था। आप अपने ओपिनियंस बताएं बेकी की इस आउटफिट के बारे में, क्योंकि मुझे याद है जब कुछ टाइम पहले लास्ट रन में बेकी ऐसे बन के आती थी तो उनको लोग बेकी क्रिंज बोला करते थे, और यहां पे आके वो बहुत खुश लग रही थी। पहले वो प्रोमो कट करती हैं कि भाई एक बार फिर से मैं बियांका को हराऊंगी, लेकिन वो पूछती हैं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन नहीं करा तो क्या होगा, तो क्राउड उनको बू करना स्टार्ट करता है। और बेकी कहती हैं कि जब मैं नहीं थी तो तुम चैंट करते थे वी वांट बेकी, और अब मैं आ गई हूं तो तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो, लेकिन ठीक है भाई मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट को करती है साइन और मैच जो है गाइस उनका बियांका के साथ अब ऑफिशियल कर दिया गया है एक्सट्रीम रूल्स पे पर व्यू के लिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में जबकि क्राउड एक बार फिर से काफी चीयर कर रहा था बियांका को और बेकी को वो बू कर रहे थे, तो हील और फेस क्लियर था। और ओवरऑल गाइस ये सेगमेंट भी जो थी वो एवरेज थी। इसके बाद हम बात करते हैं तो शो की प्रोबेबली सबसे बेस्ट 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 चीज, सेथ रॉलिंस वर्सेस एज। ओ माय गॉड, मतलब समर स्लैम में इनका मैच देखने के बाद हमें लग रहा था मैच ऑफ द नाइट का क्या है कंटेंडर बन सकता है, क्या इससे बढ़िया भी कोई मैच है दोनों दे सकते हैं। आई थिंक कि अगर उस मैच को आज इन्होंने टॉप नहीं किया तो डेफिनेटली उसके बराबर कहीं ना कहीं मैच था, क्योंकि टीवी टाइम में ऐसा मैच देना एक बहुत ज्यादा मुश्किल काम है और ज्यादा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि बीच में कमर्शियल ब्रेक्स भी आ जाती हैं। लेकिन इन दोनों ने ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि भाई कोई ब्रेक आ गई या पॉज आ गया मैच में, इट वॉज सो फ्लूइड। और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई सेथ रॉलिंस की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, एज की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि दोनों जिस तरीके से इस फ्यूड में अपना रोल निभा रहे हैं और एक रीमैच की नीड ना फील होते हुए भी जो इन्होंने मैच दिया है, अब ऐसा लग रहा है हाँ भाई शायद अब एक और मैच की मेरे को नीड है। दिस इज वॉट अ मास्टरपीस इज डिफाइंड एज, और क्या कमाल का गजब मैच इन्होंने आज दिया। बहुत समय बैक एंड फोर्थ था, एज स्पीयर लगाते हैं जिसपे रॉलिंस किक आउट कर देते हैं, अनगिनत क्लोज काउंट्स थी यहाँ पे, और ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कि फिनिशर्स बहुत ज्यादा लगाए, लेकिन तब भी क्लोज किकआउट्स की मोमेंट्स काफी सारी इस मैच के अंदर बन गई। लेकिन एट द एंड हमें एक ऐसी मोमेंट देखने को मिली गाइस जहां पे सेथ रॉलिंस तीन बार सुपर किक लगाते हैं एज को, फाइनली उनको एक स्टॉम्प लगाते हैं और उन्होंने उनको पिन भी कर दिया है। तो ये एक बड़ी मोमेंट थी कि एज को इतने समय से रॉलिंस स्टॉम्प लगाने की वेट कर रहे थे, फाइनली वो चीज आ गई और अपना रिवेंज भी उनको मिल चुका है एज के ऊपर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेडिकल टीम बाहर आती है, एज को स्ट्रेचर पे वो लेके चले जाते हैं और रॉलिंस एक बैकस्टेज प्रोमो में बोलते हैं भाई मुझे नहीं पता क्या हो गया, उनके चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई थी कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। तो आई थिंक जबकि मैच बहुत कमाल का था, हो सकता है डाउन द लाइन एक और थर्ड एंड फाइनल मैच देखने को मिल जाए, लेकिन अभी कुछ समय के लिए आई थिंक एज जो है वो चले गए हैं और वो अपनी इंजरी को जो है वो डील करेंगे और इस स्टोरी लाइन में जो है उनको थोड़े समय के लिए ऑफ टीवी रखा जाएगा। शायद अपडेट्स हमें जानने को मिल जाएंगे एक दो दिन में तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल गाइस एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मैच, और बहुत लंबा समय हो गया था कितना कमाल का मैच मैंने WWE टीवी पर देखा है, तो भाई ये एक बहुत बढ़िया बात थी। और फाइनली बात करेंगे गाइस तो शो के मेन इवेंट में मैच देखने को मिला फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स, द उसोस अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स, और यहां पे रोमन रेंस काफी एडवाइस दे रहे थे उसोस को बैकस्टेज इस मैच के लिए, और पॉल हेमन ने भी ये बात बोल दी थी, काफी हिम्मत की, केला ब्रैक्सटन बार-बार उनके पास जा रही थी, उन्होंने बोला कि रोमन रेंस इस मैच के बाद जो है वो एक्सेप्ट या फिर रिप्लाई करेगा ब्रॉक लेसनर के चैलेंज का। तो ये चीज हमें पता थी कि होने वाली है, तो उसके लिए लोग शो के एंड तक डेफिनेटली रुके होंगे, रेटिंग के लिए काफी बढ़िया चीज थी। और यहाँ पे जो मैच देखने को मिला एक बार फिर से भाई क्या कमाल का मैच था, उसोस और स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने बहुत ज्यादा अच्छा मैच दे दिया भाई, इतना मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था। एंड आई थिंक काफी लंबे टाइम बाद ऐसा मुझे लग रहा है कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स की थोड़ी रेलिवेंसी है, भले इसका बिल्डअप उतना अच्छा नहीं था मैच का, लेकिन मैच में लग रहा था कि हाँ भाई एक टाइटल मैच है। और काफी जब मॉन्टेस फोर्ड ने अपनी वो लगाई ऊपर से 5-star फ्रॉग स्प्लैश, मुझे लगा कि भाई ये मैच यहाँ पे खत्म हो सकता है, लेकिन रोमन रेंज आ जाते हैं, इंटरफेयर कर देते हैं और ये मैच एक डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म होता है। तो रीमैच के लिए ऑलरेडी आई थिंक आ गए अब एक्सट्रीम रूल्स में एक मोमेंट WWE ने यहाँ पे दे दी, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन में जब मैच खत्म होता है रोमन रेंज माइक लेते हैं और कहते हैं भाई अगर ब्रॉक लेसनर को मुझसे एक मैच चाहिए तो मैं उसको मैच दूंगा, आई विल स्मैश हिम जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, और जब मैं फिन बैलर से डील कर लूंगा तो मैं ब्रॉक लेसनर को भी देखूंगा। और जैसे ही वो बोलते हैं गाइस लाइट्स होती हैं ऑफ
और डीमन फिन बैलर की इतने लंबे टाइम बाद हमें मेन रोस्टर पे एंट्रेंस देखने को मिली। एक बार फिर से गूजबम्स आए यहाँ पे। पैट मैकफी की कमेंट्री काफी बढ़िया थी इस पॉइंट पे और रोमन रेंस को आके यहाँ पे डीमन बैलर कन्फ्रंट करता है। तो जबकि मैच पहले से ऑफिशियल था, अब उसमें एक चेंज आ गया है, दैट इज रोमन रेंस वर्सेस फिन बैलर नहीं होगा बल्कि रोमन रेंस वर्सेस डीमन बैलर हमें देखने को मिलेगा। तो सारे क्वेश्चंस जो आ रहे थे कि अब बुकिंग किस तरीके से होगी गाइस, वो और इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। आने वाला जो एक हफ्ता बचा है एक्सट्रीम रूल्स से पहले, उसमें WWE क्या शो करेगी वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आज कोई फिजिकल ब्रॉल नहीं देखने को मिली, ब्रॉक लेसनर शो के एंड में नहीं थे, लेकिन आई थिंक जितना पार्ट भी उन्होंने प्ले करा वो काफी बढ़िया था क्योंकि उनका और रोमन रेंस का मैच भी अब ज्यादा दूर नहीं है। तो गाइस ये थी आज की स्मैकडाउन। ओवरऑल बहुत ही ज्यादा अच्छा शो था, क्राउड बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था। वंस इन अ लाइफ टाइम होता है कि भाई मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जाके किसी को ये इतना लाइव अच्छा शो देखने को मिल जाए, और जो लोग भी आज वहां पे थे वो बहुत ज्यादा इनफैक्ट लकी थे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई गाइस, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयश और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।